अभी हम लोग आए हैं रेल म्यूजियम। हाँ ये देखो ट्रैक सी मायरा, करेक्ट। फिर उसके बाद ये आया, स्टील का आया। हाँ, और फिर उसके बाद ये वाला है। पता है जब उन लोगों को कुछ भी अगर खराब होता है या चेक करने के लिए वो लोग इसमें जाते थे, इसको वो ऐसा ऐसा कर करके जाते थे। हमारे पता है जब ट्रेन में जब आते चाय 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 ये बोलने आते ना आपको नहीं पता ना, ये डेक्कन क्वीन कैसे बोलते थे लोग, काफे 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 काफे, बड़े 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 मैडम चाहिए क्या, बड़े 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 बड़े। ये देख के ना, जब हम लोग छोटे थे ऐसे सब ट्रेन में जाते थे, मैं पता जब भी ट्रेन जाता था ना, वो माल डब्बा वाला मालगाड़ी उसके डब गिनता था बैठ के। चलो मायरा, तो एक काम करो, आप इसमें निकलो और हम लोग को आप बॉम्बे में मिलो, ठीक है ना? वो टॉय ट्रेन का ही है ना, ड्राइवर सीट। यहाँ जो प्लेटफॉर्म वगैरह में वेटिंग के लिए रहता था ना, तो ये सब जो है, ये दिस इज ऑल दिस वैरायटी ऑफ ट्रेन्स। मस्त है यार, वाव। कोच को उन्होंने रेलवे कैफे बना दिया है पूरा। बहुत सारे ट्रेन्स के जो इंजन और वो डिब्बे वगैरह जो है ना, वो सब रखा हुआ है ना यहाँ पे। नाइस प्लेस। हम लोग रेल म्यूजियम आए और रेल म्यूजियम में एंट्री फी जो है एडल्ट के लिए 50 रुपीज और किड्स के लिए 20 रुपीज, यहाँ पे आना वर्थ है। हम ये सब चीजें पहले यूज कर चुके हैं, सो ऐसे बहुत सारे पुराने पुराने चीजें यहाँ पे रखी हुई है, जैसे कि उसमें से ये भी एक है, कार ट्रैक्स वगैरह पे चलते थे। रेलवे स्टेशन से तो बहुत ही नजदीक है ये जो वेलकम वगैरह, तो उसके लिए बैंड बजाने के लिए खड़े हो लोग। ये एकदम वो पुराने जमाने में जैसे रहता था ना, हाँ करेक्ट, लग्जरी उस टाइम का। यहाँ पे बाथरूम है, ये प्रेयर रूम है। तो ये वो ट्रेन है, एलीट पैसेंजर्स जो उस जमाने में जो थे वो एकदम VVIP, उन लोग के लिए ये कंपार्टमेंट है। ये डाइनिंग रूम है, किचन, यहाँ पे खाना बनता था। ये कुक का रेस्ट रूम, जो मतलब जो खाना वाना बनाते थे उनके लिए। ये बर्थ, ऊपर का बर्थ इतना छोटा होता था, ऊपर का बर्थ देखो कितना छोटा है। नैरो गेज कोच, डॉग केज, ये मेरे ख्याल से पेट लोग के लिए। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आया, अच्छा भी लगा। कैसे लोग ट्रैवल करते थे उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। इसी के लिए ये बनाया गया है। आजकल की जनरेशन जो है वो कम से कम इसको देख के कुछ सीखे और उनको याद तो रहेगा। तो बच्चे हैं तो यहाँ पर आओ, और अगर बच्चे नहीं हैं तो भी जरूर आओ। हाय मायरा, हाय, उधर मिलोगे, ठीक है। अरे मायरा आगे चलो, मायरा को पिकअप करो। मायरा कहाँ से आए आप? अरे कौन से स्टेशन से चढ़ा? किड्स स्टेशन से चढ़ा, ओके चलो गुड। अभी यहाँ से हम निकलेंगे, हम लोग यहाँ से निकलेंगे और देखते फिर कहाँ जाएंगे। 2 बज गया, लंच कर लेते अगर होगा तो।
लंच हमने किया ट्रिपल आर, बनाना लीफ के ऊपर वो लोग सर्व करते हैं। सो हमने एक मटन फ्राई मंगाया, चिकन फ्राई मंगाया और वेज थाली दो मंगाया। उसके बाद हम गए सैंड म्यूजियम, वो भी बहुत ही अच्छा है, छोटा सा जगह है, 60 रुपीज टिकट है। तो वहां पे सैंड से बने हुए काफी सारे स्टैचूज, चले गए फिलोमिना चर्च देखने के लिए और चर्च बहुत ही बढ़िया था। हम गए मैसूर पैलेस में लाइट शो देखने के लिए। टाइमिंग जो है लाइट शो का वो है 7:30 को स्टार्ट होता है, सो उसके पहले 6:30 को टिकट के लिए हम लाइन में खड़े रहे। बट हमारा बैड लक था, रेन प्रेडिक्टेड था। यहाँ पे हमें बताया गया था कि अगर रेन जरा सा भी बारिश हुआ तो लाइट शो है जो वो कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, और वही हुआ हमारे साथ। हम लाइन में खड़े रहे और फिर वहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि लाइट शो इज कैंसल, हमें देखने नहीं मिला। अभी हम जो है होटल आ गए हैं। सो आज का जो हमारा जो दिन है बहुत ही अच्छे से गया। सो आज हमारा लास्ट डे है मैसूर में। अब मैसूर के बाद हम कहाँ जाने वाले ये मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा। सो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो में अगर कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल में नए हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, फॉलो योर ड्रीम्स एंड बी हैप्पी।